दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। विगत वर्ष 2008 में गोंदिया का बिरसा हवाई अड्डा पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, किंतु पिछले 12 वर्षों में अब तक कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहां से उड़ान नहीं भर पाई थी। इस दिशा में क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने अग्रसर भूमिका निभाते हुए यहां से विमान सेवा प्रारंभ करने की ठानी और उनके निरंतर प्रयत्न के फलस्वरूप ही पिछले कुछ माह पहले प्रधानमंत्री उड़ान योजना RCS के तहत गोंदिया से हैदराबाद, इंदौर, चेन्नई इस रूट का चयन किया गया है, जिससे गोंदिया हवाई अड्डे में सुरक्षा व्यवस्था एवं भौतिक सुविधाएं जैसे कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद संभवतः इसी माह के अंत तक हवाई सेवा का प्रारंभ किया जाएगा। ऐसी जानकारी निरीक्षण के लिए आए हुए फ्लाईबिग विमान कंपनी के अधिकारी ने दी। गोंदिया, भंडारा एवं बालाघाट वासियों के लिए हवाई सेवा या सौगात उनकी यात्रा में लाभदायी साबित होगी। जनवरी के ही माह में आरंभ होने वाली इस सेवा से क्षेत्रवासी को उड़ान स्कीम के तहत सस्ते दरों पर हवाई यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना पर आधारित उड़ान योजना के तहत देशवासियों को पूरे देश में सस्ते दरों पर यात्रा संभव हो रही है। इसी श्रृंखला में अब गोंदिया, भंडारा और नजदीकी क्षेत्र वासियों को भी इस योजना का लाभ सांसद सुनील मेंढे के अथक प्रयत्नों द्वारा मिलने जा रहा है। गोंदिया में निर्मित इस हवाई अड्डे को आम नागरिकों के लिए सेवा में लाया जा सके, इस विषय में क्षेत्र के सांसद इन्होंने सफल प्रयत्न किया। फलस्वरूपी केंद्र की उड़ान योजना के तहत इस हवाई अड्डे को मंजूरी मिली और इस रूट को अधिकृत किया गया। संपूर्ण गोंदिया और भंडारा जिले में इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने से क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है। इस सौगात के लिए संपूर्ण गोंदिया और भंडारा जिले की जनता द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे इनका विशेष आभार माना जा रहा है। आपके अपने चैनल VS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।